अलवर जिले के किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक बिना नंबर की गाड़ी और हथियार को बरामद किया। किशनगढ़ बास थाना प्रभारी अजीत सिंह बटसरा ने इस पर बताया कि पकड़े गए बदमाश कोटकासिम निवासी मुजाहिद और जुरहरा भरतपुर निवासी खुर्शीद है। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हाईवे लूट गैंग के सदस्य है। इन्होंने हरियाणा और राजस्थान में 15 से 20 वारदातों को अभी तक अंजाम दिया है। पोस्ट सूचना सी थी एक मुखबिर के द्वारा कि इस तरीके से कोई इटिका गाड़ी है जिसमें नई और हथिया साइड के लड़के हैं और वो इस तरीके की वारदात करने की खबरें उनके पास आसपास के इलाकों में थी जो उनके उठने बैठने वाले लड़के थे। तो जैसे ही मुखबिर से सूचना आई तो हमने मुखबिर को इसको पोस्ट करने के लिए उसको कहा कि भाई आप लगभग इसका जहाँ तक हो सके पीछा करिए, जहाँ तक इसकी लोकेशन हो वहाँ तक। तो इसकी सूचना ये आई कि ये नौगावा साइड से जो कच्चे पक्के रास्ते हैं उधर से इसने कहीं राजस्थान सीमा में प्रवेश किया है। तो हमने फोकस किया इसको राव का बिदर का चौक की आसपास के इलाकों में कि हाँ जहाँ से ये संभावित रास्तों से आ सकती है। तो ये इटिका गाड़ी जो राव का बिदर का चौकी के पास में कच्चा रास्ता है थोड़ा पहाड़ी के पास में, उसमें हमें ये पॉइंट आउट हुई। तो जब जाके देखा गया तो ये इस तरीके की वारदात में वही 5 लड़के थे और वार्तालाप जो उनका निकल के आ रहा था वो भी इसी तरीके का था जो सेम पहले अपने इस तरीके की वारदात हुई। तो टीम के घेराबंदी करके जब उनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसमें से 3 व्यक्ति भागने सफल रहे, 2 को हमने कैच किया विथ इटिका गाड़ी। धौलपुर जिले के सदर